अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूं शबीना खान और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चावल की खीर की रेसिपी। खीर तो बहुत पसंद होती है सबको और इसको बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट मैं आपके साथ जो तरीके को शेयर कर रही हूं आज, वो तरीके से अगर आप खीर को बनाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगी। जब कभी आपका कुछ मन हो खाने का जल्दी, तो बिना सोचे समझे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस खीर को हम लोग बनाएंगे बासमती चावल में। तो बासमती चावल में बनाई गई खीर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बासमती चावल। अगर आपके पास टुकड़े वाले चावल हैं तो वो ले लीजिए, वरना अगर नहीं है तो आप इसको ले लीजिए। और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसको धो लेंगे। धोने के बाद इसको सोक करने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे। अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है पतीला। पतीले में 1 लीटर दूध में मैं खीर को बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और दूध के साथ इसमें करीब 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे, ताकि जो चावल हम लोग इसमें ऐड करेंगे वो चावल अच्छे से गल जाए और दूध हमारा जले नहीं। तो दूध और पानी एक साथ ऐड करने के बाद इसको खोलने के लिए रख देंगे। जब ये दूध खोल जाएगा तब इसमें चावलों को ऐड करेंगे। लेकिन जो चावल हम लोगों ने लिए हैं तो ये साबुत चावल है, इसको मिक्सी वगैरह में नहीं पीसेंगे, खड़े चावलों की खीर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर ये जो चावल है अच्छे से सोख हो गए हैं, देखिए इसको हाथों से इस तरीके से रब करिए और ये इस तरह से टुकड़ों में चेंज हो जाएंगे। तो बस इसको इस तरह से टुकड़े बना लीजिए आप हाथों से अच्छे से मसल के, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। तो दूध में हमारा खोल आ गया है। खोल आने के बाद मैंने इसमें जो चावल लिए थे वो इसी में ऐड कर दिए हैं। चावलों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे करीब 5-7 मिनट, इसमें बॉयल आ जाए तब तक। तब तक यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू लिए हैं उसको कट कर लिया है, यहाँ किशमिश है, गरी है और है बादाम। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसको साइड पर रख देंगे और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ साबुत काजू लिए हैं 8 से 10, इसका पेस्ट बना के खीर में ऐड करेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है खोया, ये है 150 ग्राम यानी 150 ग्राम। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी रख सकते हैं। और 5 इलायचियाँ ली हैं, इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे। तो दूसरी तरफ देखिए हमारा जो दूध है वो अच्छे से बॉयल हो रहा है चावलों के साथ, चावल गल गए हैं अच्छी तरह। तो अब एक मथानी ले लेंगे, इसको अच्छे तरह से घोट लेंगे। घुटे हुए चावलों की जब आप इस तरह से खीर बनाएंगे, खड़े चावल हैं उनको घोट के खीर बनाइए, फिर देखिए इसका क्या टेस्ट आता है। बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आता है इसमें, इस तरह से खीर बनाने में। और अब इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो सारे ऐड कर दिए हैं जो आपको दिखाए थे। उसको ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। तो अभी पकते हुए यहाँ पर इसको करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से आपको नज़र आने लगेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाती है चावलों को घोटने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर ले ली है शुगर मैंने ली है 50 से 60 ग्राम, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी में जो इलायचियाँ ली थी 5 पीस, उसको डाल के इसका इस तरह से पाउडर बना लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। और साथ में जो आपको मावा दिखाया था वो इस खीर में ऐड करेंगे। और खीर में ऐड करने के बाद इसमें एक मथानी लेंगे और उससे अच्छे से इसको मैश करेंगे, यानी कि खोया ऐड करने के बाद भी आपको इसको बहुत अच्छे से मैश करना है। एक बारी तो चावलों के साथ हम लोग मैश कर चुके हैं, लेकिन जब आपने इसमें खोया ऐड किया है तो उसके बाद भी आप इसको अच्छे से मैश करिए। और बहुत ज़्यादा टेस्टी ऑथेंटिक जो टेस्ट आता है खीर में, वो आपकी इस तरह से ये खीर बनके तैयार होगी। और खड़े चावलों की खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी है। आप इस तरह से खीर बनाएंगे बहुत जल्दी से बन जाएगी, ज़्यादा आपका टाइम लेने वाली नहीं है। तो मैश करने के बाद यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे, इसी तरह पकने दिए। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है जो आपको पाउडर दिखाया था। तो शुगर को ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते इसको 5 से 10 मिनट इसी तरह पकने दें। उसके बाद जो आपको काजू दिखाए थे भीगे हुए, उसका पेस्ट भी इसी में ऐड कर देंगे और इसी तरह से इसको पका लेंगे 5-10 मिनट। काजू का पेस्ट ऐड कर दिया है, देखिए ये अच्छे से पकते पकते गाढ़ी होने लगी है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी खीर हमें नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी खीर चाहिए तो फिर आप शुगर लास्ट में ऐड कीजिएगा, जब आपकी खीर थोड़ी गाढ़ी होने लगे। तो मुझे ज़्यादा गाढ़ी खीर नहीं चाहिए थी, तो मुझे इस तरह से मैंने यहाँ पर ही शुगर ऐड कर दिया था। उसके बाद इसको 5-10 मिनट पका लिया है। उसके बाद देखिए ये इस तरह से आपको इतनी गाढ़ी नज़र आएगी। अब
तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। तो कस्टर्ड पाउडर ऐड करके जो बनाई जाती है खीर, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और जब हम लोग शादी ब्याह में जब इस तरह से खीर इंजॉय करते हैं तो उसमें अक्सर कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पर 1 लीटर में 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना बिल्कुल से थिक हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। बस 2 चम्मच डालिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए। इस तरह से पतला सा इसका एक पेस्ट बना दीजिए। उसके बाद इसको जो है खीर में ऐड करेंगे। यहाँ पर खीर हमारी अच्छे से गर्म है, खौल रही है, तो बस इतनी पतली चाहिए। बहुत ज़्यादा इससे पतली या इससे गाढ़ी खीर मत रखिएगा। उसके बस जब आपकी ये इस तरह से नज़र आए तब आप इसमें कस्टर्ड का जो पाउडर है उसको ऐड करिएगा। एक हाथ से इसमें ऐड करते जाइएगा, दूसरे हाथ से आप इसके चम्मच को चलाते रहिएगा, वरना इसमें लम्स पड़ने का डर होता है, बहुत जल्दी से लम्स पड़ जाता है। तो इस तरह आप इसको ऐड करके जल्दी जल्दी से चलाइए और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि ये जो खीर है वो आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। देखिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है और कलर चेंज होने के साथ इसका टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। और जो आपकी ये खीर है ना, ये बहुत जल्दी बनेगी और आपको इसको ज़्यादा देर तक गाढ़ा करने की भी झंझट नहीं है। तो इस तरह से आप इस पर ऐड करिएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी से बनने वाली ये खीर है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कस्टर्ड का जो पाउडर है उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर के ऐड करेंगे। शुगर को हम लोग कैरमलाइज करेंगे। कैरमलाइज शुगर जब खीर में ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट और रंगत दोनों चेंज होती है। तो कुछ अलग अलग से डिफरेंस टेस्ट इसमें ऐड करेंगे तो जो आपकी खीर है ना वो बिल्कुल ही अलग टेस्ट में बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो शुगर है उसको कैरमलाइज कर लिया है अच्छी तरह से। तो बस इस तरह से आप कर लीजिए और अब इसको खीर में ऐड कर देंगे। खीर हमारी खौल रही है अच्छी तरह, देखिए अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें भी लम्स पड़ने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसको ऐड करते हुए अच्छे से मिक्स करिए। इसके देखिए कलर और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आप कभी इस तरह से जो खीर है उसको बना के देखिएगा। मैंने इसमें सारी शुगर को इस तरह कैरमलाइज करके ऐड नहीं किया है, बस थोड़ा सा कलर और टेस्ट के लिए इस तरह से इसमें शुगर ऐड की है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपकी जो खीर है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब इसको आप जब ठंडा हो जाए तब आप इसको सर्व कीजिएगा। फ़िलहाल मैंने इसको गर्म गर्म ही सर्व करके आपको दिखाया है, लेकिन मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ। तो ये किस तरह से देखिए, बस ये इस तरह से इतनी गाढ़ी होगी ठंडी होने के बाद। तो हमारी खीर रेडी है। आपको कैसी लगी ये खीर की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की और भी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।